हे गाइस, बैक विद सोलर अपडेट एंड टूर्नामेंट वीडियो। सो आज वॉर मैंने ऑफिशियल का प्रो वॉरियर कप का सुपर वीकेंड का वीक टू है। तो सुपर वीकेंड के वीक टू में मैच थ्री में जो कि इरेंगल का मैप था, तो इरेंगल का मैप में सोल ने 14 किल के साथ चिकन डिनर निकाला है, जिसमें सोल गॉब्लिन ने सोलो 10 किल निकाले एंड बैक टू बैक 1v2 एंड 1v3 किया। एंड 1v3 शायद दो बार किया है सोल गॉब्लिन ने। एंड क्या ही चिकन डिनर निकाला था यार लास्ट में, देखना क्या ही फाइट हुआ था। एंड अब बात करते हैं पॉइंट टेबल का। तो आफ्टर मैच थ्री अभी 3 मैच और बाकी है जो कि अभी चल रहा है। तो आफ्टर मैच थ्री टॉप पे एक्सो है विथ 53 पॉइंट, एंड सेकंड पे 8bit है विथ 48 पॉइंट, एंड थर्ड पे टीम सोल है विथ 42 पॉइंट। तो वो मैच आप आगे देख सकते हो। एंड आज 38 के सब्स हो जाना चाहिए कैसे भी, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा। सो अब चलते हैं मैच की तरफ। अब होगी 80 तक, ऑल्दो काफी अच्छी पोजीशन में है, 420 रिवाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट कहते हैं कि अल्टॉन अब सीधा भागेंगे। अभी इस सभी टीमें सर्कल के अंदर, पर टीम सोल अपने लिए वो हाई ग्राउंड का पोजीशन, वो रुइंस का कंट्रोल उनके पास अभी भी देखने को मिलता हुआ एक फिनिश के खाते में आ चुका है। सोल के अक्षत यहां अब दूसरा फिनिश अपने लिए बना चुके हैं। फियर्स के द्वारा रिमिक्स के सोनिक बॉक्स डाउन किए गए, टीम एक्स बार के 420 ओपी को नॉक किया गया। एक्सो वर्सेस रिवेंज के बीच अब एक फाइट की शुरुआत। Exactly, it is काफी अच्छे शॉट करने करे, नॉक तो निकाले बट वो फिनिशेस निकालना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वहां पे एक अच्छा खासा पेड़ है, वहां पे स्मोक ऑफ भी कर दिया, उनको रिवाइव मिलना इज लाजमी, इज 100% कंफर्म शॉट। बट अक्षत स्टिल स्पॉटिंग कि यहां पर कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। अल्ट्रॉन के पास शायद मेडिक्स नहीं है और मे बी वो फर्स्ट पॉप कर रहे होंगे, बिकॉज 420 को एक और बार रिवाइव देना काफी जरूरी है। 420 का मेरे दूसरा से तीसरा नॉकआउट है, अगर आप 420 को जल्दी रिवाइव नहीं दिया देन उनकी जो ब्लीडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उससे गोली लगने के चांस। और फाइनली सोल मेकिंग अ मूव, अक्षत ने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस वो क्लोज आउट कर दिया, यहाँ पे नेट करके कुक करके फेंकने की कोशिश किया, ये नेट यहाँ पे फायदा ला सकता है, वो बात की बात है। अक्षत को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा है यहाँ पर, अल्ट्रॉन ने अक्षत को स्पॉट कर रखा है, बट अल्ट्रॉन की पोजीशन आई डोंट नो इट्स रिवील और नॉट, बट ये एक बहुत परेशानी वाली सिचुएशन। अल्ट्रॉन ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने हिप फायर में शॉट करने की कोशिश की, बट इसी के साथ ही एक्स पार्क एलिमिनेट होंगी यहाँ पर। 420 और अल्ट्रॉन दोनों गेम से बाहर, अक्षत यहाँ पे लूट करेंगे और ESN पे भारी पड़ रहे हैं संशय आ सकती है। सोल यहाँ पे रोटेट करेंगे, उन्होंने बगी एंड यूएस लेके वो बाहर जा रहे हैं, बट एक पेयर पीछे है जो यहाँ पर उनको कवर फायर दे रहा है। अक्षत ने डैमेज दिया, इंस्टेंटली फर्स्ट एड पॉप करेंगे, सेंस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। गेम अब एक अलग ही रुख की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल एक अलग ही रुख यहाँ पर आता हुआ है। ओमेगा हमें देखने को मिलेंगे, ओमेगा भी उसने काफी प्रोटेक्ट किए, यहाँ नॉक किया गया है मिस्टर्स रे को नी वर्कआउट, वो अब शायद यहाँ बैकफुट पर जाने वाली है। एक एक करके लगातार नॉक किए जा रहे हैं, ड्रार के ऊपर भी स्प्रे लिया गया, उन्हें भी डैमेज देने की कोशिश। सोल के अक्षत अभी के लिए नॉक्ड है, उन्हें जल्द से जल्द अगर रिवाइवल मिल जाता है तो टीम सोल वापस से फोर मैन स्ट्रॉन्ग आती हुई हमें नजर आएगी, बट टीम एनिग्मा थर्ड पार्टी करती हुई दिख रही है और रुइंस के रीजन में लगातार एनिग्मा की तरफ से वो थर्ड पार्टी आई है, पहले टीम एक्सपार्क के ऊपर और अब टीम वॉकआउट। एग्जैक्टली इट इज, और सोल गॉब्लिन मूविंग फॉरवर्ड नाउ एनिग्मा। टीम सोल ने काफी सारे ओपोनेंट्स को इस गेम में फेस कर लिया है, उन्होंने वॉकआउट को फेस कर लिया, उन्होंने यहाँ पर टीम एक्सपर्क, और अब बारी आई है यहाँ पर सामने टीम एनिग्मा की। एनिग्मा का एक प्लेयर जो नॉकआउट थे वीरू, उनको रिवाइव तो मिल चुका है, बट अगेन वीरू एक एक बुलेट के हैं, दोनों को फर्स्ट एड पॉप करना पड़ेगा अगले 5 से 7 सेकंड, वो हमको एक्शन में जरूर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अब ये नीवो दे हैव टू होल्ड एन एंगल एंड गॉब्लिन प्लेइंग वेरी कॉन्फिडेंट। वीक 1 में जिस तरीके से विजेता बने थे, क्या वो वीक 2 में भी वो विजेता बनना चाहते हैं और अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, इसका जवाब हमें पता चलेगा। बट एक्सो फियर्स गॉब्लिन के द्वारा डाउन किए गए, एक्सो वर्सेस सोल, ये दोनों टीम लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर इन्वॉल्व करते हुए बट इमॉर्टल को भी नॉक कर दिया गया। एक्सो अब बैकवर्ड पर जा रही है, सोल गॉब्लिन नॉक कर दिए गए हैं एनिग्मा के ईवो के द्वारा, तो एनिग्मा थर्ड पार्टी करती हुई हमें नजर आ रही है और ये थर्ड पार्टीज काफी ज्यादा ईवो बाल बाल बचे हैं, बहुत ही मुश्किल है 14 गाड़ी 4 टीम। एग्जैक्टली ईवो को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट ईवो ने टाइमली वो मूवमेंट दिखाकर आखिरी इंच एचपी के अंदर अपने आपको थोड़ा सा सेफ पोजीशन में ले आए, गुड फॉर हिम। बट यस, बैटल इज स्टिल ऑन, एक्सो होल्डिंग अ वेरी एक्सट्रीम कॉर्नर एंगल, टीम सोल हेक्टर प्लेइंग वेरी एग्रेसिव। ये कुछ गेम्स होती है ना जहां पर गॉब्लिन और हेक्टर मिलकर फुल धूम मचाते हैं, बट इस गेम के अंदर अक्षत ने जो शाइन दिखाया है वो भाई काबिले तारीफ है। अब अक्षत एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे, गॉब्लिन ने वहीं पे इमॉर्टल को फिनिश कर एक और बड़ा झटका टीम एक्सो के हाथों में लाके रख दिया है। 8bit एक अलग एंगल होके इस त्रिकोणीय के बर्मुडा ट्रायंगल बन चुका है और इस ट्रायंगल के बीच में कोई भी दिखेगा उसको गेम से बाहर कर दिया जाए। ट्रायंगल के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, एक एक करके
प्लेयर को डाउन कर रहे हैं, बट अश्विन के साथ निकाले गए थे। निग्मा के प्लेयर्स को एक एक करके बाहर किया जा रहा है। निग्मा अभी बाहर, एक जो प्लेयर्स नॉक कर दिए गए, एक जो भी अब जोन के बाहर देखने को मिल रहे हैं, तो जोन के बाहर जीवित रह पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। शायद हील बैटल वहां पर करना पड़ता है। अपने टीममेट को रिवर्स देने से पहले अपने आप को हील करना जरूरी, क्योंकि यहाँ अब एक और टीम का पुश आ चुका है। एट बेट के सुनामी नॉक कर दिए गए, हेक्टर नॉक देखने को मिलते हुए गॉब्लिन एंड ओबी का आखिरी दो प्लेयर्स और इनके ऊपर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Exactly it is, यहाँ पे उन्होंने सुनामी को कंप्लीट तो कर दिया था। सिचुएशन इज 3v2 जहाँ पे हेक्टर नॉक है, एक बिट के तौर पर बचे हैं मैडमैन एंड जूसी वर्सेस गॉब्लिन एंड ओमेगा। अब यहाँ पर हेक्टर को अगर रिवाइव मिल गया देन गेम खत्म, बट नहीं, हेक्टर को यहाँ पे फिनिश तो कर दिया है। इट्स अ 2v2 बैटल और एक शैक के आसपास लड़ने की कोशिश, मैडमैन ने एक अच्छा एंगल होल्ड कर लिया है। अगर यहाँ पे ग्रेनेड आता है देन मैडमैन के लिए परेशानी बढ़ेगी, बट अब होगा जब गॉब्लिन को मेरे ख्याल से आइडिया नहीं है, बट नो व्हाट वाज दैट, मैडमैन को जो नॉक निकाला था वो टर्न ऑफ हो चुका है। और तो कैसा लगा आपको सोल का ये 14 किल के साथ चिकन डिनर एंड सोल गॉब्लिन का सोलो 10 किल, मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको फुल मैच देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।